नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। लखनऊ में गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में कमलेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुर्शीद बाग स्थित हिंदू समाज पार्टी कार्यालय में कुछ लोग चाय पीने आए थे, साथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे। इसी डिब्बे में चाकू और तमंचे थे। गला रेतकर हत्या करने के बाद बदमाश फरार हो गए। गंभीर रूप से जख्मी कमलेश तिवारी को ट्रामा सेंटर ले जाया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि हत्या किसने और क्यों की, इसका पता नहीं चल पाया है। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष रहे कमलेश तिवारी ने दिसंबर 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय वह जमानत पर बाहर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कुछ समय पहले ही कमलेश तिवारी पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासू का हटा दिया था। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर आजम खान थे, उन्होंने आरएसएस मेंबर्स को होमोसेक्सुअल कहा था। उस समय हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बयान दिसंबर 2015 में दिया गया था। यूपी में सपा की सरकार थी। माहौल बिगड़ता देख सीएम अखिलेश यादव ने तिवारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। कमलेश तिवारी के बयान को लेकर उस समय भी कुछ जगहों पर हिंसा हुई थी। कमलेश तिवारी के आपत्तिजनक बयान की वजह से पश्चिम बंगाल के मालदा में लाखों मुस्लिम सड़कों पर उतर आए थे। कुछ ने थाने फूंक दिए थे, बसें जलाई थी। इसके बाद बिहार के पूर्णिया में भी बवाल हुआ था। अब कमलेश तिवारी की हत्या के बाद समर्थक हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इलाके में दुकानों को बंद कराया जा रहा है। पुलिस को कमरे से पिस्टल और खोखा मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर में जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।